माँ बाप की कदर करना सीखो। अगर कदर नहीं करोगे याद रखना, फिर तुम्हारी कदर भी अल्लाह की आंख में नहीं होगी, अल्लाह के यहां नहीं होगी। सहाबी रसूल हैं हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रजी अल्लाह। इस आयत की तफसीर में, ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिलवालिदैनि एहसाना, इसकी तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीरुल कुरान अज़ीम में इस वाक्य को जिक्र किया। और उर्दू ज़ुबान में अगर आप पढ़ना चाहें तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमतुल्लाह ने मारिफुल कुरान में नकल किया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, उसने आकर अपने अब्बा की शिकायत लगाई कि मेरा अब्बू मुझसे पैसे लेता है, मेरा अब्बू मेरी तनख्वाह में से मुझे कहते हैं मुझे कुछ दो। कहा अब मेरे अब्बा को मना करें। हुज़ूर पाक की आदत मुबारक थी दोनों तरफ की बात सुनकर फैसला फरमाते थे, तो हुज़ूर पाक ने उनके बेटे को बिठा दिया और आप अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को भेजा, कहा जाओ इसके अब्बा को बुला लाओ। वो इनके अब्बा को बुलाने गए, जब अब्बा को बुलाने गए क्या हुआ है तवज्जो रखना, ये दोस्त थे आपस में, पूछा हुज़ूर पाक मुझे क्यों बुला रहे हैं जो बुलाने गया था। कहा तेरा बेटा आया हुआ है, उसने आकर तेरी शिकायतें हुज़ूर को लगाई हैं। तो आका इनामदार ने फरमाया जाओ इसके अब्बा को बुला लो। वो घर गया और अपनी बीवी को कहा कि जिस बेटे को बड़ी शौक से पाला था ना, बड़ी मोहब्बत से पाला और पोसा था, आज ये हाल हो गया है कि वो इमामुल अंबिया हमारे ईमान के पास जाकर हमारी शिकायतें लगा दी। मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा और कुछ दिल ही दिल में खावत ने बातें की और चल पड़ा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास हुजूर का भेजा हुआ नुमाइंदा और ये उसको लेने वाला उसका अब्बू, ये दोनों बाद में आए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से पहले आ गए। कहा जिब्राइल आप कैसे आए? कहा आज कोई वही नहीं उतारनी, बस अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं ये बंदा आएगा, ये इसका वालिद है, ये 100% साफ है, फैसला तो इसी के हक में ही है, लेकिन आप इससे एक ख्वाहिश करना, वो ख्वाहिश आपके कहने पे ये मानेगा। क्या ख्वाहिश? इन्हें कहना जब मेरे नुमाइंदे ने तुझे घर में आकर मेरे नाम पे बुलाया था तो तेरे दिल में क्या बातें आई थी ज़रा वो तो बता दे। वो आए दरबार नबवी में, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दरबार के आदाब बजा लाए और बैठ गए। या रसूलल्लाह इरशाद हुक्म फरमाइए, आपने मुझे तलब फरमाया है, मेरे लिए खुशकिस्मती कि आपकी ज़ुबान से मेरी तलब गारी के अहकाम जारी हुए। हुज़ूर ने फरमाया तलब जिसके लिए किया वो तो बाद में, लेकिन ये बता जब तू घर से चला और तुझे पता चला तेरे बेटे की वजह से मैं तुम्हें बुला रहा हूँ तो तेरे दिल में क्या बातें आई थी। या रसूल अल्लाह हर लम्हे आपके रब पर मेरा ईमान मजीद बढ़ जा रहा, वाकई जो बातें मैंने की है ना वो तो इसकी अम्मा को भी नहीं पता, वो तो किसी भी नहीं पता, और मेरे अल्लाह ने आसमानों पे वो सुन लिया। का क्या कहा? तो फिर उसने पूरा कसीदा पढ़ के सुनाया। हजरत मौला मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ने मारिफुल कुरान में उस कसीदे को लिखा है, غزوتك مولودا ومن تقى يافعا تعل بما اجني عليك وتنهل اذا ليله زافتك بالسقم لم ابت لسقمك الا ساهرا اتململ كاني انا المتروك دونك بالذي تركت به دوني فعيني تحمل تخاف الرضا نفسي عليك وانها لتعلم او لا اعلم وقت ولا اعلم وقت الموت مؤجل فلما بلغت السن والغايه التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظا وفظافا كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فألت كما الجار المثاقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل। अब इसके लफ्जी तर्जुमा तो नहीं, मैं बामुहावरा चंद लफ्ज समझाता हूँ। उसने कहा मेरे बेटे मुझे वो वक़्त भी याद है जब तेरी जगह गीली होती, सर्दियों की रातें होती, तेरा बचपना होता,
हम तुझे अपनी सूखी जगह पे सुनाकर खुद को गीली जगह पे रख देते। और मुझे वो वक़्त भी याद है कि जब बचपन में तेरे ऊपर बुखार का गलबा होता और तू रोता और तू परेशान होता तो मैं और तेरी अम्मा अपनी आंखों को नींद का सुरमा लगाना भूल जाते। हम न सोते, हम जागते रहते, हम जागते, हम इस हद तक जागते कि हम तुझे याद करते और इतना याद करते कि काश हमारे बेटे को तकलीफ बढ़ के कहीं तकलीफ ज्यादा ना हो जाए, काश हमारे बेटे को रब्बे करीम वो सेहत की जिंदगी दे दे जिससे इसकी सेहत आ जाए, काश ये कहीं फौत ना हो जाए। मेरा बेटा, हम तेरे बारे में यूं फिक्रमंद रहते। लअअलमु अन्नल मौत वक्तुम मुअज्जलु, अगरचे मेरा अकीदा ये था कि मौत अपने वक्त पे आनी है, इससे पहले नहीं आनी। मेरा बेटा, मैं तेरे लिए यूं परेशान रहता। फलम्मा बलगत सिन्न वल गायत लती, अल्लाह, तू जब उस उम्र को पहुंचा, असिन दो तर्जमे, दांत निकल आए एक तर्जमा, दूसरा तर्जमा कि जब तेरी जवानी मजबूत हुई। फलम्मा बलगत सिन्न वल गायत लती, और उस मंजिल पे पहुंचा, इलैहा मदा मा कुंत फीका उम्मिलू, जिसके ख्वाब तेरी मां ने और मेरी आंखों ने देखे थे, तू उस उम्र को पहुंच गया और हमने समझा अब हमारा बेटा हमारा पुश्तीबान बनेगा, अब हमारा बेटा हमारा बाजू बनेगा। और तू बढ़ता गया, हम घटते गए, तेरी जवानी आती गई, हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया, तेरी आंखों की बिनाई तेज, हमारी कमजोर, तेरे कानों की सुनवाई तेज, हमारी कमजोर, तेरे हाथ की ताकत आई, हमारे हाथों में लर्जा आया, तो उठता गया, हम बैठते गए। और आज बुढ़ापा है, तेरी जवानी है, आज हम बीमार हैं, तू तंदुरुस्त है, आज हम कोई कमाने वाले नहीं है, आज तू कमाने वाला है। अभी तेरी अम्मा बीमार हुई है, उसके इलाज मुआलजा के लिए मुझे कुछ रकम चाहिए, मैंने तुझसे डिमांड कर डाली। मेरे बेटे, मुझे अपनी अम्मी के इलाज के लिए, अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ रकम दे दे, तेरे पास खजाना मौजूद, मैंने तेरे माल पे हमला नहीं किया, चंद टके मांगे। तेरी आंखें गलत, तेरी आंखें सख्त, तेरा चेहरा बिगड़ा, मुझसे नजरें चुराई, और बेटा मुझे बाप न समझता, फालतकमल जारुल मुसाकिब यफअलु, मुझे अच्छा पड़ोसी समझ लेता। अल्लाह, बेटा मुझे अच्छा पड़ोसी समझ लेता, और पड़ोसियों से भी तो हुस्ने सलूक का हुक्म है, मुझे बाप न समझता। फाउलैतनी हक्कल जिवारी वलम तकुल, यार मेरा पड़ोसी कभी हक नहीं है, हम एक घर में नहीं पले बड़े। अलैया बिमाल इंतू न मालिक तब खलू, क्या मैंने तेरा कर्जा देना है, तू मेरे पैगंबर को जाकर मेरी शिकायत लगा रहा है। ये उसने दुखड़ा सुनाया, आप ले सलाम की आंखें आंसुओं से तर बतर थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। और जब इसने ये कसीदा ख़त्म किया ना, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इसके बेटे को कह दिया, वो आए, आदत मुबारक ये थी कि दोनों फरीकैन का मौकफ सुनते, यहाँ अभी अपने बाप उसके बाप से मौकफ नहीं सुना कि आपका क्या मौकफ है, आपके बेटे ने शिकायत लगाई है, जिब्राइल पहले आ चुके थे ना, तो वो डिमांड पर हुज़ूर ने वो नज़म सुनी और बेटे को कहा, मुहम्मदी दरबार का फैसला तेरे लिए ये है, अंता तेरा पूरा जिस्म, व मालुक तेरी पूरी कमाई, ले अबीक तेरी अम्मी अब्बू के लिए। मेरे दोस्तों, ये माँ बाप का ताल्लुक है, ये माँ बाप का हुस्न सलूक है। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً।